दिनों में जिले में लगातार एंबुश लगाया जा रहा था। कल लगभग 5 बजे करीब एंबुश के दौरान किशनगंज क्षेत्र में एक साथ 3 वाहन आते हुए दिखे, जिनको प्रधान आरक्षक महेंद्र चौहान द्वारा रोका गया। तो आगे की गाड़ी I-20 के द्वारा प्रधान आरक्षक को टक्कर मारी, जिससे वो गिर पड़े और घायल हो गए। पीछे आ रहे 2 वाहन पीछे से पलटकर भाग गए और I-20 के वाहन द्वारा भागने की कोशिश की। तभी एम्बुस की दूसरी टीम के द्वारा अपनी दूसरी गाड़ी सामने लगा दी, जिससे वो भाग नहीं पाया। उस पर उस व्यक्ति ने जो I-20 चला रहा था लगातार उसको टक्कर मार के भागने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस की एक अन्य टीम गाड़ी पीछे से आ गई और I-20 को बीच में घेर लिया गया। जब बाद में उसको चालक को उतारा, बार बार पुलिस के वाहन को टक्कर देने से I-20 गाड़ी में भी डैमेज हुआ है और उसके चालक को भी सिर में थोड़ी सी चोट आई है। I-20 वाहन के चालक को उतारने पर उससे पूछताछ की गई और उसकी जेब में जो एक मतदाता परिचय पत्र मिला, आर्यन खान जौनपुर के नाम का एक वोटर आईडी मिला है, उसको लेकर पुलिस के द्वारा पहले उसको यूनिक हॉस्पिटल में उसको पुलिस अवरक्षा में लेकर उसका इलाज कराया जा रहा है, उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। सर, गाड़ी को चोरी की जो I-20 गाड़ी मिली थी उस पर जो नंबर प्लेट लगी थी, जब I-20 गाड़ी की तलाशी ली गई उसी समय, तो उसमें दूसरी नंबर प्लेटें भी पाई गई, जो कि कल परसों रात को ही 18-19 की रात को भंवरपुर थाना क्षेत्र से चुराई गई थी। इसके अतिरिक्त I-20 गाड़ी में कांच तोड़ने के लिए 2 हथौड़ी, दूसरा अन्य इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी मिला है, जो इस बात के लिए इंगित करता है कि जो पकड़ा गया है वो तथा उसके अन्य साथी वाहन चोरों के एक अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य और बड़े स्तर पर वाहन चोरी करते हैं। आरोपी को अभिरक्षा में है, उससे पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है और कई टीमें जो साथी 2 गाड़ियों को लेकर भागे हैं उन गाड़ियों के बारे में पता किया जा रहा है और उम्मीद है हम जल्दी उनको पकड़ लेंगे और कुछ बहुत अच्छी सफलता इंदौर पुलिस को मिलेगी। इस पूरी टीम को जो एम्बुश में लगी थी उसको मेरे द्वारा 10,000 रुपये के नगद इनाम से पुरस्कृत किया गया।